तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसको सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्थापित करने की जो प्रस्तावना दी थी वो कलकत्ता में दी थी, पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इसको खारिज कर दिया और ये फाइनली दिल्ली में बनाई गई। इसकी जो मोटो है वो है, वास्तव में शरीर ही धर्म का मुख्य साधन है। देखा जाए तो इसकी जो रैंकिंग है, इसकी जो वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग है वो 56 है और ये देश की भी सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट में आती है। और ये इसकी जो मेडिसिन एंड लाइफ साइंसेस में जो इसकी रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, टॉप पे है। ये देश जितनी भी रैंकिंग एजेंसी है देश की उसमें सारी में ये नंबर एक पे काबिज है। और साउथ एशिया की बात की जाए तो साउथ एशिया में भी ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी नंबर वन पे है और वर्ल्ड लेवल में भी इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ एम्स के लिए, टाइम हो रहा है 6:30, तो चलते हैं फिर और आपके सारी डाउट्स को क्लियर करते हैं। और गेट से एग्ज़िट करनी होती है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आपको कोई ऑटो और कोई कैब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर बहुत सारे गार्ड रहते हैं, आप उनसे पूछ कर आराम से अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जब भी एम्स आओ
तो आप सुबह सुबह जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी आपकी उम्र आ जाएगी, वरना पूरे दिन लग सकते। डिटेल्स है मेजर स्टेशन से एम्स है गेट नंबर एक, जहाँ से आप निकल के सीधा इस रोड के तरफ से आके जाओ, सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है रोड के उस साइड, और यहाँ से आप जाके सीधा ये वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आपका सबसे पहला ये काम होता है, ये एक तरह की पर्ची ले लें, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट दी जाती है जो कि 10 दिन 20 दिन या एक महीने की भी हो सकती है। फिर आपका अगला स्टेप आता है ये ओपीडी कार्ड बनाना, इसको बना लिया तो सारा काम ख़त्म। फिर उसके बाद ये इसी कार्ड पे आपका सारा ट्रीटमेंट चलता है, सो ये बना लिया तो सारी परेशानी ख़त्म। और आप फ़ोन पे भी या ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट। और आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पे तो यहाँ के एकेडमी का स्टाफ है, मतलब जैसे टीचर नर्सेस वगैरह मिलाकर 700 से ज़्यादा स्टाफ हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात की जाए जो कि ऑफिशियल वर्क करते हैं, जैसे कॉल अटेंड करना, हेल्पलाइन वगैरह, ये सब मिला के ये करीब 10,000 के अराउंड है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट है पढ़ने वाले बच्चे, उनकी संख्या लगभग 20,000 के पार है। तो ये ऐसे ही नहीं देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। बात की जाए यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी की, जो काफ़ी अच्छी है, रियल में काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे आपको बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के एम्स में आप एम्स की बिल्डिंग की या एम्स के कंपाउंड की किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं बना सकते हैं, बेशक मना है। इसीलिए मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरा फोन मुझे वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया, और मेरे फोन से उन्होंने सारी वीडियो डिलीट कराई। इसलिए मैं अंदर का तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ क्या प्रोसेस है और कैसे क्या करना है, जो नए लोग आते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं इस वीडियो में सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा, कैसे आना है और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, तो सारी कुछ जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कई सारे गार्ड्स दिख जाएंगे, और साथ में आपको फ्री शटल सेवा मिल जाती है जो आपको जगह जगह एम्स के कंपाउंड में, एम्स के अलग अलग बिल्डिंग में जाकर छोड़ती है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत है, बस आपको एक या दो दिन आएगी, उसके बाद या फिर अंदर में आप बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं, जगह जगह पर गार्ड्स रहते हैं, कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आती है तो आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और आपको अंदर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कह सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो ये है यार एम्स की गेट नंबर 3, जहाँ से आप बाहर निकलकर कई सारी ज़रूरत के सामान अपनी ले सकते हैं, जैसे कि जूस हो गई, पानी की बोतलें हो गई,
और फोटो कॉपी जो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो भी करा सकते हैं, साथ ही साथ और भी कई सारी दुकानें जहाँ से आप ले। और एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे दवा से लेकर हर एक तरह के टेस्ट से लेकर सारी ट्रीटमेंट होगी, ऑपरेशन होगी, उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर है या फिर बहुत सस्ती या फिर फ्री ही है। तो 3 नंबर गेट से निकलने के बाद आपको कई सारी होटल्स और रहने के लिए रेंट पे फ्लैट्स वगैरह भी मिल जाती है आसानी से। तो रहने की सारी व्यवस्था आपको 3 नंबर गेट के बाहर दिख जाएगी।